आज हम ऐसा चिकन बनाने वाले हैं जो कोई भी खा सकता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खा सकते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? आज की स्पेशल रेसिपी है वेज चिकन। देखिए मैं आपको बता दूं, इस वेज चिकन में चिकन बिल्कुल भी नहीं होता, पर आप आगे आगे देखते जाइए क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मीना की रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वेज चिकन बनाने के लिए हम सबसे पहले आधा केजी मैदा लेंगे। अब हम मैदा में मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून प्याज का पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सादा नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और गूंथ लेंगे। ये देखिए हमने टाइट मैदा गूंथ लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। जब तक मैदा सेट हो रहा है तब तक हम बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। अब हम इसमें जरूरत के अनुसार पानी डालकर पतला बैटर बना लेंगे। ये देखिए बैटर बन चुका है। अब हम चिकन को कोट करने के लिए कोटिंग बना लेंगे। हमने वेज चिकन को कोट करने के लिए 1 कप कॉर्नफ्लेक्स ले लिया है। इसे मैशर से चूरा बना लेंगे। हमने कॉर्नफ्लेक्स को अच्छे से चूरा बना लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून प्याज का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून ब्रेड का पाउडर। ब्रेड को हमने पीस कर पाउडर बना लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कोटिंग तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं मैदा की ओर। आधा घंटा हो चुका है। अब हम मैदा को इस तरह से 4 से 5 बार पानी से अच्छे से धोएंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। ये देखिए हमने पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसे छन्ना में डालकर अच्छे से पानी निकाल लेंगे। इस तरह से दबा दबा कर इसका पानी निकाल लेंगे। हमने इसका पानी अच्छे से निकाल दिया है। अब हम इस मैदा को बाउल में डाल लेंगे। हमने 2 टेबल स्पून सोयाबीन का पाउडर लिया है। सोयाबीन को हमने पहले ही मिक्सर में पीस कर पाउडर बना लिया था। 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून प्याज का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने मैदा को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको चिकन का आकार देंगे। चिकन के लेग पीस के बॉन बनाने के लिए हमने लिया है आइसक्रीम का स्पून। सबसे पहले हम हाथ में हल्का तेल लगाएंगे। मैदा में से थोड़ा लोई लेंगे और आइसक्रीम के स्पून पर चिकन का आकार देंगे। ये देखिए हमने चिकन का आकार दे दिया है। इसी तरह से सारे मैदा को चिकन का आकार दे देंगे। ये देखिए हमने सारे वेज चिकन को आकार दे दिया है। अब चलते हैं इसे बॉईल करने। हमने चिकन को बॉईल करने के लिए बर्तन में पानी ले लिया है। पानी में उबाल आने देंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और तैयार किया हुआ वेज चिकन पानी में डालेंगे। इसे मीडियम आंच पर 10 मिनट उबालेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ये अच्छे से उबल चुका है। अब इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। हमने इन्हें निकाल लिया है। अब इसे ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है।
अब हम इसे बैटर में डिप करेंगे। अब इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। हमने कोट कर लिया, अब इन्हें चलते हैं गैस पर फ्राई करने। चिकन फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे। हमने सरसों तेल लिया, आप अपने चॉइस के तेल ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। हमारा वेज चिकन बनकर तैयार है। इसे आप अपने फ्रेंड के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। देखने के लिए सब्सक्राइब करें मीना की रसोई को। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।